हेलो हाँ जी गुड मॉर्निंग एवरी वन भारती नरेंद्र दामिनी प्रिया संदीप अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू रात की क्लास के बाद सुबह फिर से अपन मिल रहे हैं एंड दिस इज अवर डाकू सीरीज़ डाकू चार सौ छप्पन एंड डॉक्टर फोर फिफ्टी सिक्स डेज पंद्रह महीने के करंट अफेयर अपन इसमें कर रहे हैं अफिशियट एंड कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज हम करने की ट्राई कर रहे हैं इसमें सारा का सारा तो एक बार तो मुझे आवाज़ का बता दीजिए आवाज़ ठीक से आ रही है क्या दीक्षा गुड मॉर्निंग ओके आई थिंक वॉइस इज़ फाइन तो ये अपना है दिसंबर 2021 का पार्ट थ्री पार्ट वन पार्ट टू अपना हो चुका है एंड द मोस्ट प्रोबेबली पार्ट फोर तक अपना दिसंबर 2021 कंप्लीट हो जाएगा दिस इज अलाउट मई माई नाम डॉक्टर अमित एंड रेस्ट ऑफ़ द डिटेल्स दो आर न्यू स्टूडेंट्स कैन सी हियर तो पंद्रह महीने के अपन इसमें कर रहे हैं लाइव ऑन यूट्यूब टाइमिंग अपनी रहेगी मॉर्निंग फाइव थर्टी टू सिक्स थर्टी एक घंटा और रात में आठ से लेके कर सवा दस साढ़े दस सवा घंटा डेढ़ घंटा पी जो है इसकी वो आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी एप्लीकेशन डॉक्टर अमित अकेडमी उसमें आप प्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाएंगे तो उसमें आपको वो मिल जाएगी एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर कंटेंट एंड क्लास अपडेट्स दोनों का लिंक एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल यू कैन सब्सक्राइब इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यू पी और अदर स्टेट पी एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो नाउ लेट लेटर स्टार्ट विद पी डी चलो तो कल अपन ने कहा तक कर लिया था साइंस एंड टेक तक अपना हो गया था ठीक है हाँ जी जो अभी ज्वाइन हुए हैं वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ देम चलो हिमानी गुड मॉर्निंग ठीक है वॉइस इज क्लियर थैंक यू चलो देखो सबसे पहले अपन आते हैं साइंस एंड टेक पे ठीक है सबसे पहली जो न्यूज है दिसंबर वाली अपनी इट इज अबाउट न्यूमो कॉन्जुगेट वैक्सीन ड्राइव देखो फर्स्ट टाइम अभी ऐसा हो रहा है हेल्थ मिनिस्ट्री ने न्यूमोकोकल यूनिवर्सल लेवल पे लॉन्च किए ऐसा नहीं है कि वैक्सीन ही थी वैक्सीन थी बट अभी क्या हो गया है कि यू आई में आ गई अपनी किसमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो अपना प्रोग्राम है उसमें ये आ गई है है ठीक वैलेंट वैक्सीन वैलेंट का मतलब क्या है कि जो तेरह वेरिएशन है अलग अलग मतलब थर्टीन टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो आपका न्यूमोकोकल करते हैं उनके अगेंस्ट ये आपको प्रोटेक्ट करेगी जो यहाँ पे अपना लिखा हुआ है ठीक है पीसीबी थर्टीन थर्टीन टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो भी न्यूमोकोकल करते हैं ठीक है अंकित गुड मॉर्निंग चलो ठीक है अब देखो आजकल सब कुछ इसी में ही आ रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव ट्वेंटी ट्वेंटी टू आपके सेवेंटी फाइव ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं ना तो इसी में ही आ रहा है तो इसलिए इस बार वैकेंसीज भी आपके ज्यादा हैं तो थोड़ा सा जोर अच्छे से लगाएंगे तो मे बी लिटिल पुश इन योर प्रिपरेशन हेयर एंड देयर माइट मेक अग चेंज इन योर रिजल्ट इट है देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट द फर्स्ट टाइम आपका यूनिवर्सल बेसिस पे आपको अवेलेबल रहेगा क्या करता है निमोनिया निमोनियाली जैसे आपने देखा होगा बचपन में बोलते थे निमोनिया हो गया ठीक है सर्द गर्म होके ठंड लग के इन्फेक्शन होकर आपको क्या होता है कि लंग्स का इंफेक्शन हो जाता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिक्सटीन परसेंट डेथ इन चिल्ड्रन आर ड्यू टू निमोनिया चलिए अब मेरा क्वेश्चन आपसे है मैक्सिमम जो डेथ होती है वो किस डिजीज से होती है एंड उसके लिए वैक्सीन कौन सी अपन यूज करते हैं बताओ यू हैव सेवन सेकेंड्स सेवन सेकेंड रूल रखेंगे अपनी सेवन सेकेंड्स बताइए टाइफ नहीं सदीप मैं बच्चों में बात कर रहा था मतलब अभी क्योंकि अपन चिल्ड्रन की बात कर रहे थे ना तो बच्चों में देखिए इस वैक्सीन से आपकी मोर्टेलिटी सिक्सटी परसेंट रिड्यूस हो जाएगी थोड़ा सा अपन इसके बारे में देख लेते हैं अबाउट न्यूमोकोकल डिजीज पहला तो ये थर्टीन टाइप के बैक्टीरिया से हो रहा है ठीक है यही है और लंग की डिजीज है बेसिकली ठीक है मोस्ट विच इज एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स टाइफॉइड डीपीटी डीपीटी टीबी टीबी टी, डिपी टी, टी, बी, टी बी भारती कैरी टीबी चलो देखो यहाँ पे है डायरिया ठीक है अब वैक्सीन तुम बता दो बच्चों में मोस्ट कॉमन कॉज है ये देखिए अब यहाँ पे क्या है कि जो आ, अपना यू बी है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं देखो 1978 में इंट्रोड्यूस किया गया ठीक है तो अठ अठहत्तर में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय एज एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन ई पी आई बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उन्नीस यानी अठहत्तर के साथ सेवन ईयर्स के बाद इसको यू बना दिया गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बना दिया गया ठीक है अब बाकी इसमें कितनी वैक्सीन्स आती हैं वो अपने को पता होना चाहिए नंबर ऑफ वैक्सीन्स ठीक है ट्वेल्व या थर्टीन अभी एग्जैक्ट नंबर तो मुझे ध्यान नहीं है वो देखेंगे रोटावायरस बिल्कुल सही ठीक है रोटावैक रोटावैक्सिन रोटावायरस तो ये अपना हो जाएगा अब इसमें देखो नेक्स्ट क्या है इंडिया सार्स टू कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स तो यहाँ पे जीनोमिक uh, सर्वेलेंस करने के लिए इंसाकोग देखो नाम से इंसाकोग इंडियन सार्स कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स इंसाकॉग क्या है अपना जियोमिक सर्वेलेंस कर रहा है सार्स कोविड टू की सर्वेलेंस सिंपल टर्म्स इज वॉट कि आपके जो डीएनए सीक्वेंस है क्या है ए जी सी टी जो अपने होते हैं ठीक है और इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं की जगह यूरेस ए जी यू सी और ये सब तो उसके हिसाब से भी अपना चलेगा कि भाई कौन सा सीक्वेंस किस जगह पे है उसको करके तो अपने को पता चलेगा ना वो कैसे बना हुआ है किस चीज का बना हुआ है तो वो अपना इस चीज में हेल्प करता है ठीक है ईशा एंड विकास अ वेरी गुड मॉर्निंग यार चलो

ताकि इजी टू रिमेंबर रहता है अपना ठीक है ये हो गया अब जीनोमिक सीक्वेंस मैंने बता दिया है, जो भी डीएनए है उसकी यूनिक सीक्वेंस एजीसीटी और ये सब होंगे डिटरमाइन करते हैं कि व्हाट इज सिक्वेंस ए जी सी टी और ये सबेंगे इन सब को ध्यान में रखेंगे फोर इंस्टीट्यूट जो अपने इन्वॉल्व है वो याद रखेंगे ठीक है नेक्स्ट था डेंगू केसेज आर राइजिंग इन पंजाब बेसिकली मोर देन फोर्टीन थाउजेंड तो क्योंकि डेंगू तो वैसे ही न्यूज में रहता है हो गया दिल्ली सरकार भी काफी कम करती रहती है उसके लिए ठीक है तो मेन रीजन क्या था यहाँ पे दिस इज इंटरेस्टिंग इट डिलेड ऑन द मॉनसूनल विड्रॉल अब उसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी बारिश ज्यादा हो रही है बारिश ज्यादा हो रही है तो भरेगा ठीक है इवन दादरी में भी बहुत सारी जगह पे आपने देखा ही होगा कि जो अपने खाली प्लॉट्स होते हैं वहां पे पानी भर जाता है सूखा ही नहीं पानी ठीक है यहाँ पे अभी जैसे हमारे बगल में जो प्लॉट था उसमें अप्रोक्सीमेटली इफ आई एम नॉट सेइंग मच लास्ट का भरा हुआ पानी अब पंद्रह बीस दिन पहले सुख है ठीक है मतलब इतना पानी भरा हुआ था तो दैट वॉज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन और उसकी वजह से क्या है कि मच्छर तो पनपेंगे ही ठीक है तो ये अपना हो जाता है डेंगू के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं डेंगू डेंगू हेमरेजिक फीवर अब इसमें बेसिकली इट इज ए वायरल इन्फेक्शन ठीक है ज्यादा कुछ इलाज विलाज के लिए है नहीं बट हाँ सपोर्टिव ट्रीटमेंट अपने को इसमें करना होता है पैरासिटामोल दे दी और मतलब फ्लूड वगैरह आपको ध्यान में रखने होते हैं और आ, ब्लड ट्रांसफर भी कई बार करना पड़ जाता है हैमरेजिक अगर कंडीशन में पहुंच जाता है तो जिसमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है ठीक है ये ध्यान में रखना है एडिस इजिप्टी ठीक है तो जो एडिस स्पीसीज मॉस्किटो है वो इसको करता है और क्या कह रहे हैं हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली फोर बिलियन पीपल आपके रिस्क में रह रहे हैं और डेंगू के चार इसके वेरियंट हैं वन टू थ्री दैट्स इट ठीक है टैंक लगाने के लिए टैंक कह रहा हूँ टेंट लगाने के लिए नहीं सुखा है टेंट तो घर में ही लगा रहे बाहर पार्किंग के लिए सुखा है ठीक है अब देखो नावर यह रोवर ये अपना एस में आया था रोवर फॉर वॉट मार्स ठीक है यही पूछा गया था कौन से आपके प्लेनेट के लिए है तो इसने अपना जैसे फर्स्ट मार्स फोटो आफ्टर कम्युनिकेशन ब्लैकआउट एक चीज अपन यहाँ पे देखेंगे कि वो ब्लैकआउट क्यों हुआ था देखो नास बेसिकली ये जो परसिवेरेंस है इट इज अ कार साइज और अपना जो मार्स है वो है अपना रेड प्लेनेट तो इसके लिए आपका ये देख रहा है वहां पे जाएगा इकट्ठा करेगा और उसको इस सीलबंद डिब्बे में पैक कर देगा मतलब जो भी मटीरियल है अगली बार जो मिशन आएगा उसका काम क्या होगा कि वो सीलबंद डिब्बे को लेके वापस आ सके ठीक है तो ये अपना बेसिकली चलेगा हुआ क्या है कि ये जो होता है सोलर कंजक्शन ये है अपना सन ये अपना मार्स और ये अपनी अर्थ ये जब तीनों मतलब मार्स एंड अर्थ आर और ऑपोजिट साइड्स ऑफ सन तो अब क्या है कि सन से हॉट आयनाइज गैसेस निकलती है कोरोना से स्पेस में जाएंगी और इसको डिस्टर्ब करती हैं तो जो कम्युनिकेशन है इसमें आपका ये देखो ये मार्स और ये अर्थ क्योंकि नीली नीली है तो ये अपना सन हर दो साल में ही होता है ठीक है सोलर कंज्शन अब इसमें मतलब जो ब्लैकआउट हुआ था वो किसकी वजह से हुआ है? ये अपन ने देख लिया चीज परसिवेरेंस रोवर के बारे में देखते हैं मार्च ट्वेंटी हैबिटेबिलिटी देखो हर चीज का काम तो वही होता है क्या वहां पे पानी मिलेगा क्या वहां पे मटेरियल है किस तरीके से वो बनाए हैं तो दीज आर जनरल थिंग्स कॉमन थिंग्स इसमें अपने को ज्यादा ऊपर नीचे करने की आवश्यकता नहीं रहती तो ये रहेगा ठीक है ड्रिल टू कलेक्ट कोर सैंपल्स जो भी हमारी रॉक्स हैं सोयल्स हैं उनको स्टोर करेंगे ठीक है एंड सील ट्यूब में डाल देंगे फॉर फ्यूचर मिशन ठीक है नेक्स्ट हमारे न्यूज थी अबाउट कंसर्न ओवर बोटल ट्रॉलिंग तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जो श्रीलंका है वहां पे जो मछुआरे थे तो डीप सी ट्रोलिंग जो अपन करते हैं बड़े बड़े नेट लगा के नीचे से ही सारा का सारा मछली को कैचअप कर लिया बट उसमें होता है क्या है कि मछली के साथ साथ तो बहुत सारी चीजें अपनी कैचअप हो जाती हैं ठीक है तो उससे नुकसान ज्यादा होता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ज्यादा होता है रेदर देन फायदा तो यहाँ पे श्रीलंका जो फिशरमैन है उन्होंने एक रैली आपकी करी है सी रैली डिमांडिंग की श्रीलंका की जो लॉ है वो आप इसके अगेंस्ट लो लेके हैं गवर्नमेंट ठीक है अभी तो देखो सिचुएशन वैसे ही गड़बड़ है तो ये अपना रहेगा हम्म तो यहाँ पे देखो फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु दे आर क्रॉसिंग द आईएमबीएल इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन एंड देर कमिंग टू श्रीलंका एक तो रिसोर्स वॉर है ठीक है हमारे रिसोर्सेज को आप ले रहे हो सेकेंड मोस्टली तो वही रहता है ठीक है एनवायरमेंट का कंसर्न तो मतलब एक वो हो जाता है कि यार ये भी है अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी होती तो आप भी वो करते बट हाँ एक बैलेंस सी भी अप्रोच अपने को रखनी चाहिए कि ब्लैक में रेड लिखा लिखा कितना अच्छा लगता है ना श्रीलंका में डि डिक्लेयर कर रखिए बिल्कुल सोनिया नमस्ते मैं ठीक हूँ आप कैसे हो सोनिया भी कई दिन बाद आ रही है ओके सुमन हैज ऑल्सो ज्वाइन सुमन अ वेरी गुड मॉर्निंग यार ठीक है तो ये अपना हो गया है ठीक है तो यहाँ पे अपना आ, ये हो गया ठीक है तुम हम्म बैलेंस ठीक है तो इन दोनों के बीच में अपने को बैलेंस रखने की जरूरत है नाउ व्हाट इज बॉटम ट्रॉलिंग नीचे से ही मतलब हैवी वेटेड नेट लगा के फ्लोर से ले जाएंगे कमर्शियल फिशिंग में यूज किया जाता है लार्ज क्वांटिटी में कैच करने के लिए अपन इसको यूज करते हैं नेक्स्ट न्यूज जो हमारी इसमें आ रही है साइंस में ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव शो ये अपन बार बार देख भी चुके हैं दोबारा भी आया था तो कुछ चीजें रिपीट भी होंगी पहले आई थी दोबारा फिर से न्यूज में आई तो वो वैसे आ जाएगा देखो मोदी जी और जॉनसन बोरिस uh, में भी तो बात कर रहे थे कि अपन इसको कनेक्ट कर देते कनेक्शन का फायदा क्या है देखो अभी अपने पास क्या है कि ऑलरेडी आई एस ए अपना चल रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस उसमें क्या है कि ट्रॉपिकल कंट्रीज को तो ने ले लिया अब हम उन ट्रॉपिकल कंट्रीज को कहीं पे कहीं पे धूप कहीं पे छाओ तो वो वाला है ना तो जहां पे मान लो उस टाइम पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तब हो सकता है कि दूसरी कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा हो एंड इफ वो आर कनेक्टेड तो आपका जो ब्रेकेज है वो नहीं होगा ठीक है तो उस चीज में भी ये अपना हेल्प करता है तो ये अपना हो जाएगा ओशोवो वो कॉप ट्वेंटी सिक्स में अपन ने इसको एम किया था इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला तो क्या हो गया देखो एम्स टू कनेक्ट द एनर्जी ग्रिड अक्रॉस द बॉर्डर टू फैसिलिटेट फास्टर ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी ताकि जल्दी से जल्दी रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाए बट सबसे बड़ा इसमें जो चैलेंज है वह ट्रांसमिशन लॉसेस इतने लंबे लंबे ट्रांसमिशन लॉसेस इकोनॉमी इज द मेन थिंग ठीक है आपको लोकल सोल्यूशन प्रोवाइड कराने पड़ेंगे ठीक है आप कनेक्ट कर लो ये कर लो वो कर लो ये सारी चीजें ठीक है अच्छी लगती है मतलब लग वो भी है बट द पॉइंट इज कैसे उसको इकोनॉमिकल बनाया जा सकता है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट कि इस तरीके से कनेक्ट करके इकोनॉमिकली वायबल भी उसको कर ले ठीक है अब प्रपोजल क्या है एम डेट एड्रेसिंग ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ़ सप्लाई क्योंकि जो जनरेट नहीं है सेट तो उसको कर सकते आफ्टर डिस्टेंस ठीक है नेक्स्ट हमारी न्यूज है आयरिस मीनाक्षी गुड मॉर्निंग चलो ये अपना हो जाता है एंड ठीक है गुरुग्राम हेडक्वार्टर दो हजार ग्यारह ठीक है ठीक है अब देखो नेक्स्ट आ रहा है आयरिस इंटरेस्टिंग अगेन एक्रोनियम इंटरेस्टिंग जो भी इंटरेस्टिंग एक्रोनियम है या तो उसका एक ना यही बना लो इंटरेस्टिंग एक्रोनियम टीम्स का ठीक है उसमें यही लिख लो बस आयरिस ये क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियट आयलैंड स्टेट्स तो क्योंकि क्लाइमेट चेंज डिजास्टर डिजास्टर से रेजिलियंस तो वो बनाना हम चाह रहे हैं ये भी बेसिकली आपकी कोप ट्वेंटी सिक्स में ही बात हुई थी कि जो स्मॉल आइलैंड नेशन है हमारे तो उनको कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करके अपन रेजिलियंट बना सकते हैं ठीक है तो आयरिश हमारा क्या हो गया इट इज एन डेडिकेटेड इनिशिएटिव को क्रिएटेड बाय द कोअलेशन ऑफ सी डी आर आई बहुत सारे हैं इसमें वैसे तो कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड और क्या क्या है देखो जो हमारी स्मॉल डेवलपिंग कंट्रीज हैं ऑर्गेनाइजेशन है एस आई डी एस स्मॉल आयलैंड डेवलपिंग स्टेट जो है वो सारे के सारे एम क्या है सपोर्ट करना एस आई डी एस को टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेजिलियट सस्टेनेबल इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल दिस थिंग्स यस अक्रॉस ई अमृत सेहत सारे के सारे पता होना चाहिए ध्यान में रहना चाहिए नोटेड भी होना चाहिए ठीक है तो ये अपना हो गया है अब देखो गोल क्या है आयरिस का आयरिस का गोल बेसिकली डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट टू समोवा पाथवे अब एक सवाल यह भी आ सकता है कि व्हाट इज समोआ पाथवे विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज ये भी बताना चाहिए समोआ पाथवे क्या है सिड्स स्मोल आईलैंड डेवलपमेंट जो नेशन है एक्सेलरेटेड मोडेलिटीज ऑफ एक्शन ठीक है ये हमारा हो जाएगा समोवा पाथवे सिड्स के आगे एक्सेलरेटेड मोडेलिटीज ऑफ एक्शन ठीक है

ये अपना थर्टी एट यू एन मेंबर्स हैं इसमें और ट्वेंटी नॉन यू एन मेंबर्स भी हैं और ये सब मिलके दैट फेस इसमें देखो यूनिक सोशो इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटीज इन्होंने मिलके ये बनाया है अब एस आई डी एस में हमारे तीन ज्योग्राफिकल रीजन मेन है नंबर वन जो अपना कैरेबियन और पैसिफिक वाला है नंबर टू अटलांटिक इंडियन वाला है एंड नंबर थ्री साउथ चाइना सी वाला जो अपना है तो ये सारे के सारे क्योंकि वर्ल्नरेबल है तो इसलिए ये अपने रहेंगे ये तीनों भी ध्यान में रखने हैं एंड लेस देन देसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज देयर ठीक है सिक्सटी फाइव मिलियन के आसपास एग्रीगेटेड पॉपुलेशन है देखो एक तो ये इधर हो गया ठीक है ये छोटे छोटे हैं एक ये इधर हो गया ठीक है तो ये है हमारे पैसेफिक और ये सब ठीक है कैरेबियन तो ये ध्यान में रखेंगे हल्का फुल्का ठीक है नेक्स्ट uh, जो हमारी न्यूज में थी कोवैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज तो अभी क्या था कि जो हमारी कोविड नाइन्टीन वैक्सीन फर्स्ट इंडिजीनियस भारत बायोटेक की वैक्सीन को एमरजेंसी यूज के लिए डब्ल्यू एच ओ ने ग्रांट कर दिया था कि हाँ जी ठीक है इसको एमरजेंसी के लिए तो डेफिनेटली यूज़ किया जा सकता है देर इज नो प्रॉब्लम विद दैट बट जो बाहर वाले पेटेंट ग्रांटेड होते हैं या फिर अलाउ होते हैं वो तो बाहर की ही उनको रहता है ठीक है उन्हीं के वैलिड रहते हैं बाहर आओगे तो यही बेसिकली उसके पीछे इकोनॉमिकल ही रीजन होता है देर इज नथिंग लाइक कि ज़्यादा ही ऊपर नीचे होगा ठीक है हमारे यहाँ पे अच्छे से रिसर्च और वो सब करके जितनी उन्होंने करी उससे अच्छा कर ही लेता है ठीक है बाकी ठीक है थोड़ा थोड़ा तो थो रहता ही है पर फिर भी कहीं ना कहीं बायसनेस रहेगा ठीक, ठीक है फिर अपने यहाँ पे हो गया इट इज वॉट कोवैक्सीन क्या है होल वायरोन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन अगेंस्ट कोविड साल ठीक है वायरस क्या होते हैं वायरस लाइक पार्टिकल्स तो ये है किसने किया आई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी तो ये कहाँ पे है अपना पुणे में ये भी ध्यान में रखेंगे ठीक है इसकी लोकेशन भी आपको याद रखनी है तो इन्होंने कर लिया कोई ज्यादा कुछ नहीं अभी तो काफी टाइम हो गया तो बस इतना ही ध्यान रखेंगे फिर देखो फ्लाई एस आपका न्यूज में था अब फ्लाई एस तो ऑलरेडी यूपीएससी में बार बार पूछा जा चुका है उसके एप्लीकेशन एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू तो अभी क्या हुआ है कि पोशाथल्लैर में आपका ये नॉर्थ चेन्नई थर्मल पावर प्लांट है वहां से फ्लाई फ्लाईश आ गई है बेसिकली क्या है कि इसको अपन ट्रांसफर कर रहे थे इधर से उधर तो वहां पे लीकेज की वजह से वो बाहर निकल गई सारी की सारी तो ये हो गया फ्लाई फ्लाईश किसका बाय प्रोडक्ट है आप जो कोल बर्न करते हैं थर्मल पावर जनरेशन में उसमें जो ऐश निकलती है काफ़ी तो देखो डिपोजिट भी हो जाएगी बट हाँ जो बाहर निकलेगी वो अपन यूज भी करते हैं तो रेदर देन कि वो हवा में चले जाए डस्ट बन जाए और आपके लंग्स को खराब करे उसको कलेक्ट करके कंबेशन चैम्बर से ही अपन उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ठीक है फ्लाई क्यों बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कम्बस बाय एग्जोस्ट गैसेज इसके जो कंपोजिशन है ये भी अपने को पता होना चाहिए ठीक है सिलिका डाइऑक्साइड ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड 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 तो बहुत आगे ठीक है सिलिका सियाल जो अपना कंटिनेंटल क्रस्ट का हो गया और फेरस एंड कैल्शियम ये हो गए सारे के सारे इसके मातन हेल के पास हवा में है सर बिल्कुल मातन हेल क्या सब जगह है कोवैक्सीन भी बैन कर दिया है अच्छा ओके आई नो अबाउट इट चल अब देखो यूज ऑफ फ्लाई पहला सीमेंट वगैरह अपन बनाने के लिए कर सकते हैं रोड के लिए कंस्ट्रक्शन के पर्पजेज से अपन कर सकते हैं कॉन्क्रीट ब्लॉक्स ठीक है और ब्लॉक्स एंड ब्रिक्स वगैरह आप करने के लिए कर सकते हो पोर्टलैंड सीमेंट उसमें एड ऑन करने के लिए भी वो भी थोड़ा सा और इसको बेटर बना देता है ठीक है तो ये अपना हो जाता है रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए अपन इसको यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम क्या है जनरल प्रॉब्लम जनरल पर्पज ठीक है जीबी तो ये अपना क्या है इसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता ओपन फील्ड में क्योंकि पोल्यूट करेगा सबको एयर वाटर सॉयल ग्राउंड वाटर सबको एंड ट्रांसपोर्टेशन बहुत डिफिकल्ट है इनहेल कर लोगे तो लंग्स में भी प्रॉब्लम आएगी फिर अपना हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट फील्ड्स को भी इफेक्ट करता है फिर जैसे मान लो ग्राउंड है तो ग्राउंड पे हार्ड पैन भी बना देगा अगर उस पर अपन ने डिपोजिट कर दिया है तो ठीक है और बहुत बड़ी लैंड भी अपने को चाहिए इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए तो ये अपनी जनरल चीजें हो गई है इसकी नेक्स्ट जो हमारा न्यूज में है दैट इज अबाउट नेशनल हाइड्रोजन मिशन ये अपन ने एक बार पहले भी देखा था जब अपन देख रहे थे शेरा ने हाँ वर्दी है ठीक है शेरा हाँ नहीं रहा शेरा मना कर रहा है अभी ठीक है वो भाग के लेके जाने के लिए तो यार उसका टाइम आ गया ना तो ही इस वेटिंग कोई आएगा और लेके जाएगा ठीक है वायरलेस का सीएमडी जो भाग गया था कोविड टाइम पे यार अभी तो मुझे ना ध्यान नहीं आ रहा भारत बायोटेक वाला ही चलो देखो अ नेशनल हाइड्रोजन मिशन तो इसमें आपको ध्यान है तो पहले अपन ने देखा भी था ग्रे, आ, ग्रीन हाइड्रोजन ब्लू हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन तो वही अपन देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि मोदी गवर्नमेंट का हाइड्रोजन मिशन किस ऑफ एज इनवाइट्स बिड फॉर पानीपत मथुरा ग्रीन यूनिट्स तो ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली क्या है कि जो अपन रिन्यूएबल जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे जो प्रोड्यूस करते हैं ठीक है उसमें क्या रहेगा एंड ये अपना हो गया है तो ये जो रिन्यूएबल सोर्सेज है उससे जो अपन प्रोड्यूस करते हैं जैसे एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर वाटर को स्प्लिट करके आप हाइड्रोजन बना लो तो वो भी हमारे पास एक रहता है ठीक है सेकेंड ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है जो हम कार्बन इंटेंसिव रहता है ठीक है इसमें रिन्यूएबल वाला नहीं कार्बन से भी अपन जो हाइड्रोजन निकालते हैं फॉसिल फ्यूल या फिर कार्बन से तो ये अपना क्या हो जाएगा ग्रे हाइड्रोजन ब्लू क्या होगा देखो ब्लू में क्या है कि आप इसको कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज प्रोसेस के थ्रू लॉकअप भी करते हो ठीक है तो सीओ टू गिव आउट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन मतलब उसको लॉक भी कर दिया ठीक है हम्म ठीक है तो ये अपना हो गया है कार्बन कैप्चर एंड द स्टोरेज प्रोसेस नाउ आर द एप्लीकेशन बहुत सारे है सबसे पहले तो देखो आप अलग अलग केमिकल जैसे अमोनिया और ये सब हम इससे बना सकते हैं मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ठीक है और जैसे फर्टिलाइजर्स मोबिलिटी के लिए भी फ्यूल की तरह कर सकते हो एक्जैक्टली हंड्रेड परसेंट तो फ्यूल नहीं रहेगा बट हाँ ठीक है पावर के लिए केमिकल हाँ शिपिंग वगैरह में भी अपन यूज कर सकते हैं फिर अपन देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा नेशनल हाइड्रोजन मिशन ये फोकस कर रहा है प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाइड्रोजन एज ए क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव टारगेट किसको ध्यान में रखते हुए अपना नेट जीरो uh, जो एमिशन अपन ने अलग अलग कंट्रीज के ये व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी ऑब्वियसली क्लीन है क्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल है तो उतना तो करेगा नहीं ठीक है और अलग अलग उसमें यूज किया जा सकता है आयरन स्टील इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन बट अभी बल एनर्जी दैट कैनोट बी स्टोर्ड तो उसको यूज भी किया जा सकता है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन जो अपन ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर ठीक है तो ये दोनों काम इसमें कर सकते हैं तो वो रिन्यूएबल एनर्जी भी अपनी वेस्ट नहीं होगी दो हजार सत्तर ठीक है सबका सही आंसर है सब वेरी गुड अंकित ने गलत आंसर दिया है अंकित के फाइन लगाओ ठीक है सत्तर रुपए का फाइन लगेगा ये सत्तर मिनट वैसे अपन अपने क्लास सत्तर मिनट की रख सकते हैं सत्तर मिनट की दो क्लास कर सकते हैं ये सत्तर मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता इस टाइप से ना तो एक नया वो हो जाएगा उसके बाद करेंगे सत्तर मिनट सत्तर सत्तर मिनट की तीन क्लासेस चलो अब हमारा क्या आ रहा है चैलेंजेस टूआट हाइड्रोजन एनर्जी तो क्या है अभी तो कॉस्ट इंसेंटिव इंटेंसिव बहुत है ठीक है दो दो हजार सत्तर का रखा है अभी अपन ने ठीक है यूएस यूके इनका अपना 2050 था और चाइना रशिया ये भी बता दिया इसने तो विकास बता रहा है विकास की बात मान ले ठीक है नहीं अच्छा नहीं होगा तो अब अपना नेक्स्ट क्या है देखो हाइड्रोजन इज नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी क्योंकि अभी अपन कर नहीं पा रहे हैं बट अभी के हिसाब तो मतलब से है एनर्जी कैरियर ठीक है विच मीन्स इट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड एक्सट्रैक्टेड एंड स्टोर बिफोर इट कैन बी यूज मतलब ऑलरेडी इस टाइप से अवेलेबल नहीं है हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम जो एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन है उसी को ही डायरेक्टली यूज कर ले ठीक है तो है तो अब ये ये अपना चलेगा अब हम आते हैं परमिशन है है, तो है, ग्रांट कर दी है अपन देखते हैं व्हाट इज व्हाट जो हमारी हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है एंड डिफेंस मिनिस्ट्री में आपका इसको हेड कौन करेगा डिफेंस मिनिस्टर ही ठीक है तो ये पॉलिसीज uh, और कैपिटल एक्जेशन क्या लेना है कहां से लेना है कितना लेना है सात सौ छियासी सात सौ छियासी इज ऑल्सो ए गुड सात सौ छियासी को पहले तो छह से डिवाइड करो बारह सतह चौरासी तो ये तो छः बारह घंटे से भी ज्यादा जा रहा है बाकी वीकेंड की देखेंगे बाद में गुड आइडिया दिमाग में इसीलिए डाले जा रहे हैं आई नो दैट चलो ठीक है तो पॉलिसीज एंड कैपिटल एक्विजिशन अपन करेंगे फॉर थ्री सर्विसेज सारे के सारे जो हमारी आर्मी नेवी एयर एयरफोर्स अपनी है ठीक है चेयरमैन है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ये ध्यान में रखना है अभी देखो आपको ध्यान है क्रिप्टो करेंसी बिल के बारे में बार, बार बार बात करी जा रही थी तो आपने को पता ही है क्रिप्टो करेंसी वैसे भी अपन डिटेल में कई बार देख चुके हैं ठीक है इट इज अ वॉट मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ क्योंकि हुआ क्या कि जो अपना ट्रेडिशनल वे है वहां पे तो सेंट्रल बैंक है वो इसका देखता है कि कौन सी अपनी करेंसी ठीक है नहीं है अभी क्या है कि ये प्राइवेट में चल रहा है सारा का सारा प्राइवेट पब्लिक लेजर मतलब प्राइवेट ट्रांजेक्शन को पब्लिक लेजर में अपन इसमें डाल देते हैं ब्लॉक्स बनाते हैं तो वो अपना हो जाता ब्लॉक चेन ठीक है तो ब्लॉक टेक्नोलॉजी अपनी इसमें यूज करी जाती है और उसमें ऑथेंटिकेशन की उतनी जरूरत नहीं होती ठीक है तो ये सारा का सारा है अपने आप ही ऑथोराइज होता ही होता जाता है तो ये है अभी और भी ज्यादा आ गई है काफी ठीक है बिटकॉइन आई थी Uh, तो वो 2008 के क्राइसिस में सातोशी नोको वो सब तो सारा था ही ठीक है तो अब ये क्या हो गया देखो क्रिप्टो करेंसी क्या है मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज एंड डॉलर बट डिजिटल फॉर्मेट इज वेरी टेक्निक्स वी विल यूज फॉर इट ट्रेडिशनल में थर्ड पार्टी सेंट्रल बैंक रहेगा इसमें उसकी जरूरत नहीं है क्रिप्टो करेंसी के साथ फास्ट है ठीक है और इसमें देखो क्रिप्टोग्राफिक पजल्स होती है इन पजल्स को सोल्व करते हैं तो अपन माइनिंग बोलते हैं इसको ठीक है वो uh, माइनिंग से आप इसमें ला सकते हो और इसी को अपन बैक में जो ट्रांजेक्शन एड होते रहते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं ब्लॉक चेन एंड ऑल्सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में हम इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं वी आर यूजिंग इट इन मैनी अदर थिंग्स ठीक है तो वो भी अपने को ध्यान में रखना है जैसे बैंकिंग वगैरह में भी इसका आ ही रहा है कि हाँ भाई इसको ऐसे यूज करते हैं है वट इज ब्लॉक चेन नंबर वन कौन ले कहा है सातों छो मोटर दो हजार आठ फाइनेंशियल क्राइसिस ओपन लेजर है सब लोग करते रहेंगे एड ऑन होता रहेगा एनोनिमस मस्त रहता है इसमें ट्रांजेक्शन ठीक है आप इसमें नहीं कर सकते वो नहीं पता चलेगा थर्टी परसेंट टैक्स यस ये भी अभी रिसेंटली आया है एंड व्हाट आर द कंसर्न बेसिकली जनरल बकवास अनरेगुलेटेड है मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग के लिए यूज कर सकते हैं और आपने देखा होगा बहुत सारे मिसलीडिंग क्लेम्स अपने आते रहते हैं कि इससे इतना फायदा उससे इतना फायदा आगे वाला इसमें इन्वेस्ट कर दो इसमें कर दो तो होता क्या है नो बडी नोस की मतलब एक नॉर्मल इन्वेस्टर को तो नहीं पता होता कि कहाँ से कितना क्या पैसा आएगा कहाँ पे जाएगा तो वो उसमें इन्वेस्ट कर देता है और बाद में वो ऊपर नीचे हो जाता है तो बिग इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो उसका फायदा उठा लेते हैं और चल देते हैं ठीक है तो ये ये अपना हो गया नेक्स्ट जो हमारा न्यूज में है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी थोड़ा सा आ रहा था हबल तो ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है ठीक है तो जेम्स वेब अपना क्या है कौन कौन इसके साथ इन्वॉल्व है नासा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी है एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी है ये किसको यूज कर रहा है लार्ज इंफ्रा टेलीस्कोप है बेसिकली इट वॉन्ट्स टू स्टडी एवरी फेज ऑफ जो भी हिस्ट्री है यूनिवर्स की शुरू से लेके कैसे आपकी गैलेक्सीज बनी क्या हुआ हाँ अपना जो बिग बैंग है वहां से लेके ये स्टडी करना चाहता है इंक्लूडिंग बिग बैंग क्योंकि इंटरनेट मतलब पुरानी से पुरानी जो भी रेज आ रही है ना सबको ले लेगा और तो बाकी जनरल बातें कि भाई अलग अलग प्लैनेट्स में लाइफ सपोर्ट होगी नहीं होगी सोलर सिस्टम का कैसे इवोल्यूशन हुआ ऑल ऑफ द ठीक है सबके सब सारे के सारे काम करेगा एंड इट इज कंसिडर्ड एज ए सक्सेसर ऑफ हबल टेलीस्कोप ये अपने को ध्यान में रखना है एंड जे डब्ल्यू एस टी लॉन्गर वेव लेंथ इट विल बी एबल टू लुक फर्दर बैक इन द टाइम कोई बात नहीं अब देखो क्या है फोर सेंट्रल गोल है इसकी नंबर वन फर्स्ट गैलेक्सीज जो थी उनको सर्च करना सेकेंड हाउ दे इवोल्ड कैसे वो बनी थर्ड स्टार्स कैसे बने उनका सिस्टम कैसे बनता है प्लेनेटरी सिस्टम कैसे चलता है वो और ऑल्सो पोटेंशियल ऑफ लाइफ अपना कहाँ का है वो ठीक है Next is अपना में 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 ये ये देखने देखने को मिला था और में देखने को मिला मिला था न्यूज में था था और इसलिए दो चीजें ध्यान रख लेना ठीक है तो ये वियतनाम में spread हो रहा था local farming industry में तो so, अब यहाँ पे ये क्या है वायरल डिजीज है फिग्स में हेमरिजिक फीवर जैसे अपना डेंगू था डेंगी जिसको अपन डेंगी भी बोलते हैं पहले डेंगू डेंगू अपन करते थे तो नए नए वो आ जाते हैं प्रन प्रेंस, तो इसका फर्टिलिटी रेट इज वेरी हाई अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड परसेंट ठीक है ये अपना चल रहा है सिम्टम्स वही है देखो हाई फीवर डिप्रेशन एनोरेक्सिया लॉस ऑफ एमरिकाइट हेमरेज स्किन वोमिटिंग डायरिया एंड ऑलवीस नेक्स्ट जो हमारा न्यूज में है वो है आई वेला वेला पड़ा है ठीक है वेला पढ़ाया अभी क्या है कि जो अपना प्रोजेक्ट 75 था उसमें अपन धीरे धीरे इंडक्ट कर रहे हैं तो ये आपका फोर्थ जो सबमेरीन है वो ऐड करी गई है Of 75 of Navy was by Navy Chief आपके प्रोक्योर करने के लिए आ, जो गुजरात गवर्नमेंट थी उसने साइन किया था और ये तीस साल का मतलब प्लान बनाया गया था कैसे इनको अपन लेके आएंगे किस कंट्री के साथ है दैट इज इम्पोर्टेंट फ्रांस के साथ तो फ्रांस के साथ हमने साइन किया अगेन 2005 में भाई हम स्कॉर्पियन क्लास दो अपनी बनाना चाह रहे हैं इसमें कौन कौन से आ चुके हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कलावेरी कांदेरी, करंज तीन तो देखो ये अच्छा ये कालावेरी कांदेरी करंज ये नाम किस पे रखे गए हैं नेम्स ऑन वॉट तो ये अपना है एंड वेला इज फोर्थ वेला के बाद क्या आएगा वगीर वजीर जो वजीर वगसीर, वगीर, पता नहीं जो भी प्रोनाउंसिएशन हो और तुम तो बता भी नहीं सकते मैसेज में तो कैसे ही बताओगे ठीक है ओके okay, नेक्स्ट जो आपका आ रहा है दैट इज अबाउट डार्ट मिशन देखो डार्ट मैंने कैसे याद की थी जैसे अपन डार्ट फेंक के मारते हैं तो वो जाके लगती है ठीक है तो ऐसे ही हम किसी चीज को फेंक के मार रहे हैं वो दूसरी चीज पे जाके लगेगी और उसके या तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी या उसके पाथ को चेंज कर देगी सिंपली मतलब बाय यूजिंग डार्ट आप प्रिवेंट कर रहे हो खुद को काइंड ऑफ लाइक दैट तो ये है एक प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम एक तो ये तो अपनी ट्रिक होगी कि मैंने डार्ट फेंकी मुझे खुद को प्रोटेक्ट कर लिया दूसरे पे लगी दूसरे का गया ठीक है तो ये अपना है इसमें इस क्या है कि इट अलाउज अ स्पेसक्राफ्ट टू क्रैश इनटू एस्ट्रॉड वो एस्ट्रॉयड में जाके आपका क्रैश कर जाएगा एंड विल कैरी एक तो स्मॉल सेटेलाइट होता है इसमें क्यूब सेट जिसको अपन लिस क्यूब बोलेंगे देखो ये है लेसिया क्यूब यह डेडिमोज आ रहा है इसका ये ओरिजिनल ऑर्बिट था बेसिकली यहाँ पे डार्ट आया इससे इम्पैक्ट आफ्टर ऑर्बिट तो इसका जो ऑर्बिट है इसको इसने चेंज कर दिया अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें डेडिमोज के ऑर्बिट को चेंज करने की आवश्यकता नहीं थी क्यों नहीं थी क्योंकि वो ठीक चल रहा था मतलब वो आके अर्थ में कोलाइड नहीं होने वाला था बट द पॉइंट इज जो हमारा इस टाइप का अगर आगे कोई भी ऐसा आता है जहां पे कोलिजन होने के चांसेस होंगे तो उसी के लिए अपन इसको तैयार कर रहे थे ऑन द नेम ऑफ एंशियंट वेपन्स कंधेरी करंज कलावेरी ये आइलैंड्स नहीं है क्या मैरिन स्पीशीज हाँ ये ये आइलैंड वाले अपने कौन से थे मैरिन स्पीशीज अब मैं विकास के आंसर uh, से एग्री करता हूं ध्यान आ गया ठीक है वेपन्स तो नहीं है ठीक है हाँ टी प्रेडेटर्स लाइक शार बिल्कुल ठीक है भारतीय ने और भी अच्छे बता दिए ओके देन ये अपना हो गया ये अपन याद कर लेंगे इस तरीके से अब पॉइंट क्या है कि जो कोलाइड होने वाला है उससे अपने को प्रिवेंट करना है तो जो भी एस्ट्रोइड अभी ये कोलाइड होने वाली नहीं थी दिस वॉज जस्ट टू टेस्ट ताकि हम फ्यूचर रेडी हो सके नेक्स्ट जो हमारे न्यूज में है है इट इज अबाउट नोरो वायरस कुछ नहीं वोमिटिंग बग के नाम से इसको जाना जाता है विंटर वोमिटिंग बग ठीक है खाया पिया कहीं से भी आया वायरल डिजीज है वोमिटिंग और डायरिया वेरी कंटेजियस मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते ही आपको भी हो जाएगी तो ये है एनी एज ग्रुप इसमें पीपल हो जाते हैं ट्रांसमिटेड डायरेक्टली थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड इंडिविजुअल या फिर सरफेसेस से नोजिया वोमिटिंग डायरिया जनरल है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ज्यादा कुछ नहीं नोरो बस नहीं ध्यान में रखेंगे कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है वायरल डिजीज़ेस का मोस्टली ऐसा कुछ नहीं होता एंटीवायरल कभी कभी अपन यूज करते हैं बट नोट सो इफेक्ट अगली चीज आपकी न्यूज में थी इट इज अबाउट कैमोआ लीवा देखो अभी क्या है कि अर्थ के ऑर्बिट में एक छोटी सी चीज सैटेलाइट ऑर्ट के गए सॉरी नहीं मिली आज तो ये आ, क्या है बेसिकली इट इज ए सैटेलाइट कुआसी सैटेलाइट क्या होता है मतलब नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन को ऑर्बिट करते हैं येट दे रिमेन क्लोज टू ओके okay, मतलब अर्थ को रिवोल्व नहीं कर रहा रिवोल्व तो सन को ही कर रहा है तो एक क्वासिटेलाइट है पोर्टेड बाय पैन स्टार्स टेलीस्कोप एस्ट्रॉइड है रफली एक सौ पचास नब्बे डायमीटर अपने को कुछ नहीं करना ऐसा माना जा रहा है कि ये जो है अर्थ का मून का ही हिस्सा था ठीक है हमारे चांद का ही हिस्सा चांद जैसा मैम आ जाए तो शायद मिल जाए यहाँ पे भी शायद पे फोकस किया जाए ठीक है Because, शायद वर्ड इज वेरी हियर चलो देखो अगला अपना कह रहा है टेक नीव एट सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव आते ही क्या आएगा आज़ादी का अमृत महोत्सव कोई नहीं ओके तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं ये तो कुछ नहीं है ये टेक न्यू क्या है ये ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन है चलेगा जिसमें अपन इम्पैक्ट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन को कैसे कम्युनिटी और इकोनॉमिकल ग्रोथ में वो हेल्प कर रहे हैं उसके लिए तो यहाँ पे आपने थर्टी एस टी आई हब यानी किए हैं जिसमेंट uh, के लिए भी है बाय द एंड ऑफ ट्वेंटी साइंटिफिक टैलेंट अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज एंड देयर ओवरऑल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पिछहत्तर में से बीस तो ऑलरेडी इट हाँ <laughs> देखो अब अगला अपना क्या है फर्स्ट ग्लोबल इनोवेशन समिट ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर तो ये कुछ नहीं है वर्चुअल समिट इन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी फार्मास्यूटिकल के लिए नवंबर में एंड नथिंग बट जस्ट टू हाईलाइट कि हम अभी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गए हैं स्पेशली इन द कोविड नाइनटीन क्योंकि हमने बहुत सारा जो ड्रग्स हैं वो प्रोड्यूस करी एंड इंडिया फार्मा वैसे भी थर्ड लार्जेस्ट है की ड्राइवर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिकल ग्रोथ हॉल्स दैट्स इट ठीक है ये अपने को ध्यान में रखना है लेनाइड्स मिट्योर शॉवर ये क्या है इट इज एन एनुअल शावर अभी आपका शुरू हुआ है नवंबर छह से तीस के बीच में तो ये दिख रहा है मैट्रिक्स जैसा तो यहाँ पे आता है अब यहाँ पे चार पांच अपन टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं वो अपनी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी तो ये क्या है जैसे अपने को पता है, ये देखो अपन ने एस्ट्रॉयड देखे थे एस्ट्रॉयड अपना एमजे माइकल जैक्शन उसके बीच में पाए जाते हैं कुछ लोग यहाँ पे आ जाएंगे मेटेरॉइड्स उससे बाहर निकल गए अर्थ पे आ गए मेटियोर जो खत्म होगी गई रस्ते में ही मेट्योराइट हाइट इट वो अर्थ पे आ गए ठीक है तो ये अपने सारे के सारे हैं तो ये अपना सबसे पहले क्या है कि व्हाट इज मेटियोर शावर एकदम से बहुत सारे छोटे छोटे से आए और वो शावर जैसा लगता है क्योंकि वो फ्रिक्शन में बर्नआउट हो जाते हैं तो ऐसा है सेलेस्टियल इवेंट जहां पे नंबर ऑफ मेट्योअर्स आर ऑब्जर्व टू रेडिएट ओरिजिनेट फ्रॉम वन पॉइंट इन द नाइट स्काई कॉज क्या रहेगा हां तो जो कॉस्मिक डेब्रीज है जिसको अपन मेटेरोइड बोलते हैं वो एंटर करेगा एटमॉस्फेयर में एक्सट्रीमली हाई स्पीड पैरेलल ट्रैजेक्टरी और जल जाएगा ठीक है जल जल के धुआं हो जाएगा एंड इसमें अपना क्या है ये कि लैनार्ड जो मेट्योर शावर है वो कहाँ से आ रहा है ये आ रहा है आपके एक छोटा सा कॉमेट है नोन एज 55 पी टेंपल टर्टल तो उसमें से जो डेब्रीज निकल रहा है कॉमेट में से वो आपका इसको करता है ठीक है लियो कॉन्स्टेलेशन में ये लोकेटेड है इसलिए शावर इसको अपन बोलते हैं तैतीस साल में ये ऑर्बिट करता है सन को अब हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं एस्ट्रोय तो आपको पता ही है स्मॉल एंड एक्टिव रोड रॉकी बॉडीज ऑर्बिटिंग द सल माइकल कॉमेट क्या है ये भी सन के चारों तरफ रहता है बट यहां पे जो हमारा जैसे रिलेटिवली स्मॉल एट द टाइम एक्टिव भी रहता है आपका ये वेपराइज करता है गैस डस्ट क्लाउड इसमें होते हैं जिससे इसकी टेल भी बनती है तो वो सारा का सारा हो जाएगा मेट्योरॉयड क्या है जो स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम कॉमेट और एस्टेरॉयड ऑर्बिटिंग द सन जो यहां से भी निकल के और हो गया तो मेटोरॉयड मेट्योर को तो अपन क्या बोलते हैं शूटिंग स्टार अर्थ में एंटर एंड जल गया Then, क्या है आइट, 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 इट इट इट, 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 इट हैज रीच्ड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वन हेल्थ कंसोर्टिंग कुछ नहीं है कोविड नाइनटीन में अपन ने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी हम नहीं चाहते कि आगे फेस करें फ्यूचर रेडी हम होना चाहते हैं तो बेसिकली इट इज एन सर्वेलेंस सिस्टम ठीक है सर्वेलेंस ऑफ वॉट बैक्टीरियल वायरल पैरासिटिक जो इन्फेक्शन अपने हो रहे हैं ऑफ़ जोनोटिक क्योंकि जोनोटिक बहुत ज्यादा अपने इन्फेक्शन होते हैं ये हैल्दी डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग एनिमल्स इन द एनवाट तो वट इज वन इट इज फोकस्ड फोकस कर रहा है अगेन वही देखो ह्यूमन हेल्थ और ये सब तो फ्यूचर पेंडेमिक से प्रिवेंट करने के लिए बैकग्राउंड में क्या है कोविड 19 पेंडेमिक आई थी हमने बहुत सारी डिफिकल्टीज तो फेस कर रहा है प्रेजेंट डिजीज okay? तो इसीलिए हम इस पर फोकस कर रहे हैं ऐसे ही आपने बार बार सुना होगा जीका वायरस जीका वायरस भी अपना आता रहता है एडिस और उन्हीं से लिंक्ड है जो एडिस वाले है ना वो सारे के सारे तो ध्यान में रखने ही रखने हैं। को क्या आता है? तो ये देखो ये दिख रहे हैं जिका वायरस ये अपना जिका वायरस इट इज अ मॉस्किटो बोर्न वायरस एडिस स्पीशीज का है एडिस का है देखो सबसे पहले 1947 में ये युगांडा के जीका फॉरेस्ट से रिसर्स आपका एक्सट्रैक्ट किया गया था इसीलिए इसका नाम वहां से आता है फॉरेस्ट ऐसे भी पूछा जाए कि भाई कहां से नाम आया तो फॉरेस्ट ऑफ युगांडा अफ्रीका से देखो काफी वायरस आए हैं अच्छे अच्छे ठीक है एच जिका वी जीका पिका हिबोला ठीक है एंड इसमें क्या क्या रहेगा अपना सिंपल इसके सिम्टम्स है फीवर एक रैशियवाइटिस और इसमें दो हैं हाँ अपने पास एडिस इजिप्टी एडिस एल्बोपेक्टस अमेरिकन इंडिपेंडेंस यस राइट ओके तो ये दो अपने रहेंगे ये अपने हो जाते हैं ठीक है सेम मॉस्किटो है जो और कौन कौन सी डिजीज में अपना है ये डेंगू चिकनगुनिया येलो फीवर इन सब में भी यही ट्रांसमिट करता है एंड व्हाट आर द अदर मोड्स इसमें देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है सेक्शुअल कॉन्टेक्ट एंड एक्सपोजर टू यूरिन यानी बॉडिली फ्लूड बॉडिली फ्लूड से भी अपना ट्रांसमिशन हो सकता है ये सारे के सारे अपने ध्यान में रखेंगे यह आपका साइंस एंड टैक्ट हो गया है नेक्स्ट हमारा आता है सोशल इश्यूज सोशल इश्यूज अपन देख लेते हैं सोशल इश्यूज में सबसे पहला आ रहा है एयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम देखो अभी क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपने नाम कर दिया है इन्होंने नोटिफाई किया है फोर ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम स्पीड ठीक चल रही है क्या स्पीड ओके स्लो तो नहीं लग रहा सुबह थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लो ही रहता है हाथ धोके बैठो चलो ओके okay. ठीक है ओके ओके थैंक यू चलो अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आपका नोटिफाई किया है चार साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बेसिकली टीचर एजुकेशन है कुछ नहीं एनईपी ट्वेंटी ट्वेंटी में ही इसको इंक्लूड किया गया था उसी के थ्रू अपन इसको एक्सटेंड कर रहे हैं दैट्स इट ओके अंकित हमको ध्यान रखेंगे शाम को मिलेंगे तब देखो नेक्स्ट है मनरेगा फंड क्राइसिस तो अभी क्या आया था इस मंथ की न्यूज है देखो अपन बैकवर्ड जा रहे हैं तो कई चीज बार बार भी आएंगी तो मनरेगा में अभी क्या हुआ था कि सेंट्रल पे कि सेंट्रल फ्लैगशिप इन्होंने कहा फंड बहुत कम होते जा रहे हैं ठीक है फंड का फंड नहीं समझ में आ रहा तो यहां पे जितना आप अलोकेट कर रहे हो उतना मिल नहीं पा रहा और ये सब वो सब ओके तो अब अपने को मनरेगा के बारे में ही पता होना चाहिए वैसे अपन बार बार इसको देख चुके हैं तो फंड कमी होने की वजह से क्या है कि मेटेरियल कॉस्ट आपकी डेली रहेगी आपके वेजेस जो है वो नहीं दे पाओगे अबाउट मनरेगा क्या है हमारा महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है कब आया था 2005 में आया था और बाकी सारी चीजें अपने बताया लीगल गारंटी 100 डेज एवरी फाइनेंशियल ईयर मेंबर रूरल हाउस होल्ड अनस्किल्ड वर्कर वॉलंट्री एंड मिनिमम वेजेस आपको मिलेंगे 15 डेज में काम मिलेगा नहीं मिलेगा तो आपको भत्ता मिलेगा मिनिस्ट्री ध्यान रखनी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ठीक है ये है एंड विद इन फिफ्टीन डेज ये अपना आपको काम देना पड़ेगा राइट टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी आपको मिले Next news है हमारी, farmer, uh, suicide की. तो अभी क्या था था। कि basically, uh, जो आपके हैं, उनमें suicide 18 high अभी देखने को मिला था। तो एनसीआर कर रही है इट इज अबाउट द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर लेबर परसेंट हायर प्रीवियस ईयर था मीनाक्षी को स्लो लग रही है तो मीनाक्षी कोई नहीं थोड़ा सा मैनेज कर लो ओके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए नंबर वन 2020 में टेन uh, थाउजेंड के आसपास डेथ हुई इस, इस में अपने को नहीं जाना ऑफ ऑल द सुसाइड इन द कंट्री आर द फार्मर सुसाइड ये ध्यान में रखना है सबसे वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट अपना कौन सा है महाराष्ट्र जिसमें चार हजार सुसाइड आपकी हुई थी नंबर चीज एक तो ये ध्यान में रखनी है अदर स्टेट्स जिसमें पुअर रिकॉर्ड है आपका जैसे कर्नाटक आंध्रा एमपी ये तीन भी याद रखेंगे टॉप फोर याद रखेंगे नंबर वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिर नेक्स्ट आपका था न्यूज में यू आई डी ए आई सिक्स एक्समिशन फ्रॉम डाटा प्रोटेक्शन बिल अभी अपन ने देखा था कृष्ण क्रिश्नमुर्त, श्री कृष्णमूर्ति कमेटी जो कि बी एन कृष्णा जो कमेटी थी कृष्णमूर्ति ठीक है तो उसने डाटा प्रोटेक्शन की बात करी थी तो यू आई डी ए आई क्या कह रहा है कि हम तो ऑलरेडी आधार एक्ट में आ रहे हैं तो आप हमें इससे बाहर रखो प्रोसेसिंग वगैरह में क्योंकि वो उसके अंडर आएगा उसको करना पड़ेगा तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता कॉन्फ्लिकॉज सेक्शन ट्वेल्व फर्स्ट टू ओके अंकित थैंक यू देखिए इसमें क्या है कि आ, अभी कमेटी के पास गया था प्रोटेक्शन बिल 2019 तो it is by Act, there so 12 2000 बिल uh, जो है वो कुछ रेगर आपके provisions करता है कि जो data processing कि जो जो की अपन अपन बात करते हैं यानी है है uh, है है जैसे ठीक तो तो जिसका डाटा है, उसके उसके लिए लिए आ रहा है, तो उसके लिए थोड़े से यहां पे provisions थे कि भाई आपको थोड़ा सा रेगरेस रहेगा मामला इतनी इजीली उसको यूज नहीं कर सकते प्रोसेस नहीं कर सकते परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है तो नंबर वन चीज जो ध्यान में रखनी है कौन सी कमेटी हेड करती है बी श्री सेकेंड ये केस के बाद करी गई थी राइट टू प्राइवेसी वाला जो केस आया था कौन सा केस आया था केस पुट्टामी केस ये भी नाम रखना है थर्ड फोर्थ यहाँ पे देखिए बिल गवर्न द प्रोसेसिंग ऑफ द पर्सनल डाटा चाहे उसको गवर्नमेंट कर रही हो कंपनीज कर रही हो या फिर फॉरेन कंपनीज कर रही हो तो इसमें था फिर डाटा फिडिशरीज थी जो इस सब को देख रही है वो भी अपॉइंट करी जाएंगी जो इनको व्हाट विल बी द मींस एंड द पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग द डाटा ऐसे ही एक अथॉरिटी की भी अपन ने बात करी थी जो सारे के सारे इससे रिलेटेड कोई भी अगर इशू होता है चाहे इंडिविजुअल इंटरेस्ट से रिलेटेड हो पर्सनल डाटा से रिलेटेड हो कंप्लायंस करना हो बिल का तो उसको कौन देखेगी डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी और ये जो फिडिशरीज थी इनको भी यही था कि भाई कंसेंट करके ही आप ले सकते हैं यूपीएससी मेंस में पूछा गया था डाटा प्रोटेक्शन बिल और ये सब सारा कंप्लीट okay? तो ये हमारा है सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेंट कर सकती है किसी भी एजेंसी को कि भाई इस से बाहर निकल सके उसी में यू ने भी अपना रखा कि भाई मुझे भी करा जाए और आई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं है आधार एक्ट दो सोलह में बनी थी आधार एक्ट में कॉन्स्टिट्यूटेड है आधार को एस ए मनी बिल पास किया गया था मनी बिल में फाइनल फाइनलिटी किसकी होती है स्पीकर की ज्वाइंट सेशन जो होता है उसको भी कौन प्रोसाइड करता है आपका प्रिसाइड करता है कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है सिंपल मेजोरिटी ज्वाइंट सेशन में ओके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में अगर ज्वाइंट सेशन हुआ तो कौन सी मेजोरिटी चाहिए क्या वहां पे भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए ज्वाइंट सेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में अगर अपन ने ज्वाइंट सेशन किया बताइए ठीक है वेरी गुड हो ही नहीं देर इज नो एनी प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ना ही प्रेजिडेंट का अप्रूवल चाहिए ना ही ज्वाइंट सेशन है एंड मस्ट गिव असेंट यहां पे मस्ट है संविधान तो ही बदल दिया देना ही पड़ेगा क्या मिल जाए ओके आई डोंट नो अब किस कंटेक्स में ममता जी बात कर रही हैं अब समझ नहीं आ रहा शायद अभी पीछे चल रही है क्लास में तो हो सकता है उस वाली बात पे। अब देखो नेक्स्ट ये हमारा क्या आ रहा है बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यू टेक्टरी अथॉरिटी यू आई डी ए आई वॉज फंक्शनिंग एज एन अटैच ऑफिस टू द प्लानिंग कमीशन नीति आयोग यह भी अपना सवाल पूछा गया था नीति आयोग को आ, किसने रिप्लेस किया है ठीक है ओके तो ये अपना हो गया है देखो अगली जो अपनी न्यूज थी इट इज अबाउट स्टबल बर्निंग अब स्ट्रबल बर्निंग में अपन सारा का सारा मेन्स के प्रस्पेक्टिव से तो देख ही चुके हैं क्या करना क्या नहीं करना इसमें उतना नहीं है अब वो लोखूर कमेटी कौन सी कमेटी थी वो उसका नाम बताओ जो आपके अच्छे में पूछी गई थी जो स्टेबल बर्निंग के लिए अपन ने करी थी तो ये हो गया इट इज़ न्यूज क्योंकि आ, देखो लंग इन्फेक्शन आपके ज्यादा से ज्यादा रहेंगे तो वुमेन स्पेशली ऑफ द रूरल पंजाब वो आपकी इससे इन्फेक्ट हो गई थी तो हो ही रही है बेसिकली उसी पर स्टडी करी गई थी सिक्स विलेजेस की उसमें स्टडी करी गई थी ठीक है ओके गुड मॉर्निंग मैम वेरी गुड मॉर्निंग अब इसमें अपने विलेजेस हैं पटियाला पंजाब के ऑन टू फेजेस पीएम 2.5 में अपने बेसिकली है कि पीएम 2.5 जो आपका छोटे वाला है ये क्या करता है लंग्स में अगर अपन देखेंगे ना तो नीचे तक जो जा रहा है ठीक है 2.5 तक तो वो अपना जाता है ये और ये आ, अगर टेन वाला है तो वो थोड़ा सा जल्दी डिपोजिट हो जाता है लोखूर यस yes, कमेटी ये yeah. राइट right. चलो अब हम आते हैं आगे कंसिडर्ड मोस्ट हार्मफुल टू द रेस्पिरेटरी हेल्थ ये तो कॉमन सी बात है इसमें कुछ ज्यादा अपना है नहीं अब हम देखो व्हाट इज टबल बर्निंग करते क्यों है ताकि अर्ली इंटरवेंशन हो जाए खेत खाली हो जाए और अपन उसको लुका सके तो हमने इसमें ये भी था अगर अपन इसके जो सोल्यूशन की बात कर रहे थे एक तो मैंने डिटेल जो सेशन लिया हुआ है अमित करके अगर आप टाइप करेंगे तो डिटेल जो वीडियो है फिफ्टीन सिक्सटीन समथिंग मिनट्स का होगा उसको भी देख सकते हैं वो मेन्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट रहेगा कि उसमें आ, जैसे मान लो कि जो अपनी क्रॉप साइकिल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं कैसे उगा रहे हो तो वो भी अपने को देखना पड़ेगा ठीक है सेकेंड uh, जैसे हैप्पी सीडल मशीन है जो नीचे से ही इसको काट देती है उसको करने की जरूरत नहीं है वो आपका मिक्सअप ही हो जाएगा तो ये सारे की सारी चीजें रहेंगी अब इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं बर्निंग ऑफ द क्रॉप रेजिडी ऑफ द क्रॉप इसमें वीट और राइस के अपने uh, जो सीजन के बाद ठीक है सच एज वीट एंड राइस दोनों में ही अपना होता है क्योंकि बहुत कम टाइम में होता है पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है चीप है इजी है बट नेगेटिव क्या है सॉयल एनवायरमेंटल हेल्थ काफ़ी चीजें हैं नेगेटिव तो स्पेशली जो सीओ टू या फिर ऑक्साइड्स वगैरह अपने निकलते हैं वो जो हमें इफेक्ट करते हैं वो अपना रहेगा ऑल्सो ये चीज देखो जो हीट है वो अपने नीचे वन सेंटीमीटर तक वन सेंटीमीटर देखने में तो छोटा सा ही लगता है वहां पे जाके उसके जो माइक्रोब्स हैं आपके सॉयल के उनको डैमेज कर देता है बट दे आर हेल्दी माइक्रोव वो हेल्प करता है कैप्सूल व्हाट वाज़ द नेम ऑफ दैट कैप्सूल बताओ अच्छा बादाम शेक आ गया ठीक है भाई तुम्हें तो सब कुछ मिल सकता है बादाम शेक और ये सब बाकी मेरी एक्सपेक्टेशंस कम ही है मैडम से लेस एक्सपेक्टेशंस मोर हैप्पीनेस दैट इज द रीजन ऐसा नहीं है कि शी विल नॉट बी गिविंग बट हाँ like so, दैट इज नेचुरली इट्स लाइक दैट तो दिल्ली गवर्नमेंट का कैप्सूल व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कैप्सूल वो बताइए अगली जो न्यूज़ है हमारी वो क्या है कोटा टू वन ईयर्स अब यहाँ पे हुआ क्या तमिलनाडु गवर्नमेंट ने टेन पॉइंट फाइव परसेंट रिजर्वेशन और दे दी जो इनके मोस्ट बैकवर्ड कास्ट थी वन ओके? पर हाईकोर्ट ने इसको कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी ठीक नहीं है इंटरनल स्पेशल इंटरनल रिजर्वेशन तो आ, इसको क्वैश किया गया डीएम के ए आई के ये कर ही रहे थे आर वन ये बस हल्का से ध्यान में रख लेते हैं एग्रीकल्चर लेबर ये हमारे हैं ऑल्सो जो हमारे न्यूज में थे हाँ इट about अबाउट तमिलनाडु गवर्नमेंट जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके अगेंस्ट में क्रिटिसिज्म में कि ये सिर्फ इलीट क्लास की एजुकेशन पॉलिसी आपकी है इससे फायदा नहीं मिल रहा है तो एन और उसके बारे में ठीक है तो ये थोड़ा सा अपन आराम से फिफ्टी नाइन सिक्सटी अच्छा तो यार ये खत्म हो जाना है इसको अब अपन शाम को ही कंटिन्यू करेंगे ठीक है एन के बारे में डिटेल में देखेंगे और जो बाकी बच्चा हुआ अपन इवनिंग में करेंगे तो अपना आराम से हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टीन सिक्सटीन सिक्सटीन एटीन पेजेस में करेंगे वरना फिर इवनिंग की क्लास बहुत छोटी हो जाएगी एक सवा घंटे की तो चले ठीक है तीन चार मिनट बचे है चलो ठीक है सो दैट्स इट फॉर टूडेज मॉर्निंग सेशन एंड थैंक यू एवरी वन फॉर बायो पूजर ठीक है पूसा पूम्पोजर उसका नाम था थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन इट वाज नाइस कनेक्टिंग विद यू ऑल एज ऑलवेज ठीक है मजा ज्यादा रहता है ये थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है सुबह उठने में दैट आई एग्री बट हाँ वो ठीक ही रहता है करने का रात में वो स्ट्रगल नहीं रहता कि उठ के बैठना है रात में सोने का स्ट्रगल रहता है सोने जाने सोने जाने ओके सो विल सी मीट इन द इवनिंग अगेन टिल देन अच्छे से पढ़ो जो लगा के और बाकी अपन मिलते हैं शाम को ठीक है टिल देन स्टे बिल स्टे ऑल गुड बाय हिंद